भारत अगले कुछ वर्षों में $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए कमर कसकर तैयार है। चीन, जर्मनी और अमेरिका जैसी बड़ी आर्थिक ताकतों पर छाए संकट के बीच भारत की इकोनॉमी फुल स्पीड से आगे बढ़ रही। दुनिया भर की संस्थाएं और रेटिंग एजेंसीज भारत को ब्राइट स्पॉट बता रही। माना जा रहा है कि 2028 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। देश की इस रफ्तार को सहारा देने के लिए अलग अलग राज्यों में $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की होड़ मची है। इस लिस्ट में सबसे आगे है महाराष्ट्र, जहां की GDP का साइज $430 अरब है और इसकी ग्रोथ रेट 8.5% है। महाराष्ट्र सरकार ने 2030 तक अपनी इकोनॉमी को $1 ट्रिलियन पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन इसके लिए महाराष्ट्र को 11% की रफ्तार से बढ़ना होगा। देश में सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल आउटपुट वाले राज्य महाराष्ट्र को इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर सबसे ज्यादा काम करना होगा। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने यूपी के 2027 तक $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा है। इसके तहत 40 लाख करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम खर्च करने की योजना है। ये रकम इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, जुडिशियरी, एजुकेशन, हैवी इंडस्ट्री पर खर्च की जाएगी। यूपी सरकार के मुताबिक इन लक्ष्य को पाने के लिए सालाना विकास दर को 30-35% तक बढ़ाना होगा। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लक्ष्य को 45% तक ले जाना होगा। 2021-22 में यूपी की GDP करीब $294 अरब है और राज्य का ग्रोथ रेट करीब 13% है। 2027 तक $1 ट्रिलियन लक्ष्य को पाने के लिए राज्य को GDP ग्रोथ को 32% तक ले जाना होगा। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने के रास्ते में तमिलनाडु भी तेजी से आगे बढ़ रहा। फिलहाल राज्य की GDP $320 अरब है। राज्य की इकोनॉमी 11% से भी ज्यादा रफ्तार से बढ़ रही है। तमिलनाडु की सरकार ने $1 ट्रिलियन के लक्ष्य पहुंचने के लिए 2030 तक लक्ष्य रखा है। ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, केमिकल और प्लास्टिक से जुड़ी इंडस्ट्री समेत देश में सबसे ज्यादा फैक्ट्रीज इसी राज्य में है। यही नहीं, तमिलनाडु देश का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इसी तरह कर्नाटक भी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की होड़ में शामिल है। राज्य की GDP अभी $245 अरब है और इसका ग्रोथ रेट 8.8% है। कर्नाटक ने 2027 तक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए GDP ग्रोथ रेट को 15% तक बढ़ाना होगा। कर्नाटक ग्लोबल इनोवेशन और स्टार्टअप का हब है। ये बायोटेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में बड़ा एक्सपोर्टर है। अब इस रेस में गुजरात भी पूरी ताकत से लगा है। 2022 में राज्य की GDP $288 अरब थी और इसका ग्रोथ रेट करीब 13% है। गुजरात सरकार ने 2027 तक GDP को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए राज्य को 14.5% की ग्रोथ हासिल करनी होगी। इसे हासिल करने के लिए राज्य सरकार मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर पर खासा ध्यान दे रही है। गुजरात में ऑटो, फार्मा, केमिकल, टेक्सटाइल और पेट्रोलियम इंडस्ट्री से जुड़ी कई कंपनियां हैं। खैर, ऐसे में इनमें से कौन सा राज्य सबसे पहले इस मुकाम तक पहुंचता है, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है भारत की इस भयंकर रफ्तार को लेकर, कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।